दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर सभी आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर जो भी नया वीडियो आता है उसकी जानकारी आप तक पहुँचे, सबसे पहले आपको जानकारी लगे। तो आज बात करेंगे कि झूठी FIR से बचने का क्या है रामबाण इलाज। कोई व्यक्ति अगर झूठी FIR दर्ज कराता है तो उसे किस प्रकार से बच सकते हो, किस प्रकार से उसे निरस्त करा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानोगे। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखें, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे ना तो आप इसके बारे में समझ सकोगे, नई जानकारी प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि झूठी FIR अगर कोई व्यक्ति दर्ज कराता है तो उसका रामबाण इलाज क्या है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। इस परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको हमारे इस वीडियो को देखना पड़ेगा, पूरी ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, मान लो कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी है तो उसके पहले FIR दर्ज कराएगा, उसके खिलाफ पहले FIR दर्ज कराए, क्योंकि वो सरकारी नौकरी वाला है। वो अपने हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, हमारे से क्षमा मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद में ये गलती नहीं करूँगा। क्योंकि उसको पता है कि ये सरकारी नौकरी है, तो वह व्यक्ति हमारे पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफ़ी मांगेगा, सारी चीज़ें करेगा। लेकिन दोस्तों, मान लो किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ, सरकारी नौकरी वाला हो या प्राइवेट जॉब वाला हो, या जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, जो नौकरी लगने के चांस है, उन व्यक्ति पे अगर कोई व्यक्ति झूठी FIR दर्ज कराता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नौकरी चली जाती है या नौकरी नहीं लगती है जो तैयारी कर रहा है, तो इसमें क्या सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे सुनते रहिए। मान लो किसी भी व्यक्ति ने रंजिशवश, या वो रंजिश रखता है आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार से, तो आपके ऊपर वो रंजिश निकालने की वजह से, आपको परेशान करने की वजह से झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ भी क्या कार्रवाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आप उस मुकदमे से कैसे बच सकते हो। दोस्तों, आपको बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति करा दिया आपके खिलाफ, मान लो बहुत सारे व्यक्ति, जैसे आप भी, मान लो आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया, तो उसके साथ साथ 3-4 व्यक्तियों को नाम और ऐड कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐड करने से ये लगता है कि तो व्यक्ति बिना निर्दोष है, जिनका आता पता नहीं है, उनका नाम लिखवा दिया जाता है, तो पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं कि आपके नाम जब भी कटेगा आप हमें कुछ पैसे दो या कुछ करो। तो इसलिए दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जो भी उच्च अधिकारी है, डिप्टी है, SP है, उनसे संपर्क कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने, इस फलाने व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है, ना तो मैं वहाँ मौजूद था, ना ही मैं वहाँ था, मैं एविडेंस के साथ आपके साथ पेश हुआ हूँ कि मैं उस दिन उस टाइम में वहाँ उपस्थित था, या तो मेरी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, जानकारी कर दीजिए, जैसे आप दूसरी जगह हो तो आपके साथ दो गवाह ले जाए कि मैं उस टाइम पर यहाँ था। मान लो आपकी बात कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनने के बाद आप क्या करोगे, अगर आप नौकरी पैसा हो तो आप क्या करोगे, आप जॉब लगना चाहते हो सरकारी, तो अगर आपके ऊपर केस हो गए तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें सोचने की या सोचने का वक्त नहीं होता, इससे कैसे निकले, कैसे बचे। अगर ऐसा होने के बाद आप के खिलाफ, मान लो पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, थाने वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा, SP कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप संबंधित जो न्यायालय है में, या तो आप क्यूशिंग की कार्रवाई करें, FIR को रद्द करवाने की कार्रवाई करेंगे हाईकोर्ट से, जो भी संबंधित आपका हाई कोर्ट पड़ता है वहाँ आप FIR को रद्द करा सकते हो। लेकिन FIR रद्द कैसे होगी, FIR रद्द जब होगी जब आपके पास एविडेंस होगी कि मैं उस टाइम, उस वक्त यहाँ था,
वो एविडेंस आपको पेश करनी पड़ेगी। मान लो सारी चीज करने के बाद हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि आप इनको एक महीने के अंदर अंदर आपका सॉर्ट आउट करो इस केस को, इन व्यक्तियों को आपने झूठा फंसाया, मान लो। उसके बावजूद भी, कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी पुलिस वाले आपका नाम नहीं निकाल रहे, आपको झूठा फंसा रहे, तो आप क्या करोगे? तो उस वक्त, उस समय आप केवल, आपके पास एक ही उपाय है, आप उस समय इंटरसेप्टेड बेल, अग्रिम जमानत याचिका दायर करोगे। पुलिस वाले बहुत सारे, पुलिस वाले खुद कह देते हैं कि आप अग्रिम जमानत करा लाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो उस टाइम आप किसी भी सीनियर वकील से मिलकर आप अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हो। मान लो निचले कोर्ट में अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट अग्रिम जमानत नहीं लेता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट अगर नहीं लेता है तो आपको मुलजिम बनना ही पड़ेगा। आपको केवल जब चालान पेश हो उस टाइम एविडेंस के तौर पे ही आप मुलजिम नहीं बन सकते, मुलजिम से बनने से या सजा से बचने के लिए ऐसे टॉस उपाय या टॉस एविडेंस जो आपके पक्ष में हो वो करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल आपको बता दूं कि जो कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराता है वो ज़्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है, पुलिस वालों को सब पता रहता है कि इस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई केवल इस व्यक्ति को परेशान करने के लिए। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति करता है, सारी चीज़ें होने के बाद मैंने बता दिया कि अगर ये होने के बाद आपके पास लास्ट उपाय ये है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके खिलाफ अगर झूठी एफआईआर दर्ज है तो आप उस टाइम कहाँ थे, आपके साथ कौन मौजूद था, आप क्या करने गए थे, सारे एविडेंस के साथ अगर आप फिशिंग की कार्रवाई करते हो तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपको 100% सफलता मिलेगी, आपका नाम एफआईआर से रद्द होगा, ये 100% चांस है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है या इस प्रकार के कोई चांस होते हैं तो सबसे पहले मैं जो प्रक्रिया बताई मैंने, सबसे पहले आप सीनियर अधिकारी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, अगर वहाँ सॉल्यूशन नहीं होता तो आप कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, अग्रिम जमानत कराइए या क्वेश्चनिंग की कार्रवाई कराइए, सब आपके पास हथियार है। अगर आप बरी हो जाते हो उस केस में, झूठा फंसाया किसी व्यक्ति ने, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप लीगली तौर पर सच्चाई का साथ दें, एफआईआर क्यूसिंग कराएं। अगर आप सच्चे हो, आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया तो आप क्यूसिंग की कार्रवाई करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।